सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाते हुए 8 अप्रैल 1993 से विभागों से संबंध स्थायी समितियों की पूरी एक विकसित व्यवस्था शुरू की गई। शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति विभागों से संबंध 17 स्थायी समितियों में से एक है। स्थायी समिति प्रणाली का जुलाई 2004 में पुनर्गठन किया गया, जिसके तहत विभागों से संबंध स्थायी समितियों DRSC संख्या 17 से बढ़ाकर 24 कर दी गई। शहरी और विकास संबंधी स्थायी समिति को दो समितियों यानी एक शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति और दूसरी ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति में विभाजन कर दिया गया। इसीलिए ग्रामीण विकास से संबंधित सभी मुद्दों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए पहली बार 5 अगस्त 2004 को लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में नियम 331 ग के अंतर्गत इस समिति का गठन किया गया। इस समिति के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित मंत्रालय और विभाग आते हैं: ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, पंचायती राज मंत्रालय। समिति की संरचना: समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें 21 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से चुने जाते हैं। वहीं राज्यसभा के 10 सदस्यों का चयन राज्यसभा के सभापति की तरफ से किया जाता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है। आइए अब बात करते हैं समिति के कार्य की। समिति अपने क्षेत्राधिकार के अधीन मंत्रालयों और विभागों के संबंध में निम्नलिखित काम करती है। समिति के निम्नलिखित काम: अनुदानों की मांगों पर विचार करना और उनके संबंध में सभाओं को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ऐसे विधेयकों की जांच करना जो लोकसभा को अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की तरफ से सौंपी गई हो, विधेयकों की जांच कर उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, संबंधित मंत्रालयों या विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, दोनों सदनों में प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावती नीति संबंधी दस्तावेजों पर विचार करना और चाहे जैसा भी मामला हो, समिति को लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की तरफ से भेजा गया हो उससे संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश की अगर बात की जाए तो जांच किए गए विषयों पर समिति की टिप्पणियां या सिफारिशें उनके प्रतिवेदन में होती हैं, जिन्हें समिति की तरफ से स्वीकार किए जाने और संबंधित मंत्रालयों या विभागों की तरफ से तथ्यात्मक सत्यापन के बाद समिति के सभापति या प्राधिकृत सदस्य की तरफ से लोकसभा में पेश किया जाता है या राज्यसभा के पटल पर रखा जाता है। प्रतिवेदनों के साथ समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश भी सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि जब तक संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते हैं, तब तक समिति की कार्यवाही प्रारूप प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश गोपनीय माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।